नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 29 मई है और हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे सीवियर हीट वेव की। सबसे पहले यदि तापमान पर नजर डालें तो इस सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया। पिछले 24 घंटों में चूरू में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा फलोदी, गंगानगर और पिलानी में भी अधिकतम तापमान 49 डिग्री और इससे ऊपर रिपोर्ट हुआ है। यानी कि भीषण लू, इसके अलावा वार्म नाइट की कंडीशंस फिलहाल राजस्थान के कई इलाकों में बनी हुई है। अगले 48 घंटों में सीवियर हीट वेव, इसके अलावा वार्म नाइट की कंडीशन जो है अभी भी राज्य के खासकर उत्तरी और पश्चिमी, इसके साथ साथ में जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्से हैं इनमें जारी रहेगी। यानी कि बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में अधिकतम तापमान अभी भी अगले 2 दिनों तक 47 या इससे ऊपर रिपोर्ट हो सकता है। लेकिन दिनांक 31 मई से राजस्थान और आसपास के इलाकों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से 31 मई को दोपहर बाद शाम के समय, खासकर यदि देखें तो शेखावटी क्षेत्र और जयपुर भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन, कहीं कहीं तेज हवाएं यानी डस्ट स्टॉर्म भी रिपोर्ट हो सकता है। आंधी बारिश का जो ये दौर है, ये 1 और 2 जून को भी राजस्थान के कुछ इलाकों में होने की प्रबल संभावना है, खासकर बीकानेर संभाग के इलाके, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र रहेंगे और जयपुर भरतपुर संभाग के इलाकों में 1 और 2 जून को भी आंधी बारिश, कहीं कहीं तेज हवाएं जो है वो दर्ज होंगी। हवाओं की गति इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो सीवियर हीट वेव और उष्ण रात्रि का दौर फिलहाल राजस्थान में पिछले 2 सप्ताह से बना हुआ है, ये अब 48 घंटों बाद धीरे धीरे कम होगा। और 1 जून को देखेंगे कि अधिकांश भागों में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 45 डिग्री या इससे नीचे रिपोर्ट होगा। यानी कि हीट वेव का जो दौर है वो 1 जून से राजस्थान के ज्यादातर भागों में खत्म होगा और हीट वेव से जो है वो राहत मिलने की प्रबल संभावना है।